आप सबके हृदय में विराजमान आपके श्रद्धा और विश्वास स्वरूप ही भगवान शिव को मां पार्वती सहित मैं प्रणाम करता हूँ। कल के कथा में आपने कल मतलब शिवरात्रि का उपलक्ष्य था भगवान शिव का दिव्य झांकी का दर्शन आपने किया। उससे पहले दिन कथा यथारूप चलाएंगे। कल का मतलब होता है गत दिवस, जब भी आपने कथा सुनी थी तो कल ही मानी जाती है। तो कल की कथा में आपने सुना जैसे 11 रुद्र होते हैं इस सृष्टि में, उसी प्रकार से 11 तत्व हमारे शरीर में ऐसे हैं, 10 इंद्रियां और 11वां मन। इन 11 एक ही चीज इन 11 उपाधियों से युक्त हो जाता है। जैसे सूर्य सृष्टि में 12 उपाधियों से एक ही सूर्य 12 नामों से जाना जाता है, अलग अलग महीने चैत्र सुनना, सभी नक्षत्रों के नाम से मास महीनों के नाम रखे गए, ग्रहों के नाम से दिनों के नाम रखे गए, रवि चंद्र भौम बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये ग्रहों के नाम हैं साथ के साथ। तो उन ग्रहों से दिन बने, उसी तरह से कुछ मुख्य ऐसे नक्षत्र हैं जिनके नामों से 12 महीनों के नाम बने। चित्रा नक्षत्र से चैत्र का महीना, विशाखा नक्षत्र से वैशाख मास, ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ मास, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा ऐसे नक्षत्र हैं, आषाढ़ा नक्षत्र से आषाढ़ मास, श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास, कृतिका नक्षत्र से कार्तिक मास, भाद्रपद नक्षत्र से भाद्रपद मास, अश्विन अश्विनी नक्षत्र से अश्विन मास, कृतिका नक्षत्र से कार्तिक मास, मृगशिरा नक्षत्र से मार्गशीर्ष मास,
पुष्य नक्षत्र से पौष मास, मघा नक्षत्र से माघ का महीना, फाल्गुनी नक्षत्र से फाल्गुन का महीना, और चित्रा से चैत्र का महीना। चैत्र से संवत शुरू होता है हमारा नया संवत। ये बातें बच्चों को जरूर बताओ। सरकारी नौकरी तक ध्यान नहीं रहना चाहिए, हमारी संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा। यदि किन्हीं कारणों से सरकार वो शिक्षा नहीं दे पाती तो माता पिता का तो कर्तव्य बनता है कि वो स्वयं वो शिक्षा ग्रहण करें और बच्चों को दें। इसी बंद कर यहाँ ही तो उन्हीं के आधार पर 12 महीने होते हैं। 12 महीनों के आधार पर सूर्य 12 होते हैं। एक ही सूर्य के 12 अलग अलग प्रभाव स्वभाव और गुण बदलते रहते हैं। जैसा जल वायु मिलता रहता है वैसे स्वभाव भी बदलता रहता है वस्तु का। दूध को जैसे जलवायु मिलेगी वैसा उसका स्वभाव बदल जाएगा। दूध की और व्यक्ति की एक ही तासीर होती है। वृद्धा माताएं कहती थी ना, अपने को अगर गर्मी लगे तो समझो दूध को गर्मी लग रही है, अपने को अगर गर्मी नहीं लग रही तो दूध खराब नहीं होएगा, कहीं भी रखा रहे। व्यक्ति की स्वभाव और दूध का स्वभाव एक ही जैसा होता है। व्यक्ति में मन में खटाई गिर जाए फट जाता है मन, दूध में खटाई पड़ जाए दूध फट जाता है। सब कुछ उसका बन सकता है, दोबारा से दूध नहीं बन सकता। उसी तरह से मन फट जाने के बाद व्यक्ति भी कोशिश करता है लेकिन वो फटा हुआ मन कोशिश करो फिर भी मिल के रहेंगे, ऐसा प्रयास करें कि खटाई पड़े ना। तो जैसे संगति करते हैं, संगति का प्रभाव रंगत अवश्य दिखाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं संत समागम हरि कथा। संगत करो तो दो की करो, संतों की संगति करो या भगवान के नाम की कथा की संगति करो। यदि इन दो की संगत आप करेंगे यही जीवन का उत्तम लाभ है। कोई भी तत्व इन दो वस्तुओं के सिवा भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। आप जब तक भगवान की कथाएं नहीं सुनोगे कितनी भी कोशिश कर ले भगवत प्राप्ति संभव नहीं। आप संत का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं होगा। संसार की सब वस्तुएं हो सकती हैं, घर में शांति नहीं हो सकती। भगवान का जाप आप कितना भी करते रहो खाली चलने से, चलते रहो और एक मोड़ गलत आ जाए और वहां पर हम पूछ नहीं सके कि सीधा ही चलना है कि मुड़ना है। अभी हम गए थे बीकानेर 15 दिन पहले गुरु जी के साथ साथ, और गुरु जी की आंख लग गई और गाड़ी मैं चला रहा था
अपनी कोशिश से तो मैं अच्छी चला रहा था, कुछ बूझ से तेज थी थोड़ी, कोशिश तो ये थी कि जल्दी पहुंचा दें, वापस आ रहे थे। एक मोड़ मुड़ना था, सीधा निकल गए। जैसे सीधा निकले और सब देख रहे थे, इधर रखा था इसमें कि हमें कैथल जाना है ऐसा, और वो रास्ता सही बता रहा कैथल वाला। लेकिन वहां एक मोड़ मुड़ना था जहां गुरु जी से पूछा नहीं, अपने विश्वास पे, अपने नेट के विश्वास पे, अपनी आप को समझदार समझ के बहुत तेज जल्दी पहुंच जाएंगे और सीधा चले गए। 150 किलोमीटर का अंतर पड़ गया एक मोड़ से। आना था कैथल वाली साइड, चले गए उल्टा राजस्थान वाली साइड। और वो बालाजी का एक मंदिर आता है दो जाके धाम, और दो जाके धाम पे जाके समझ तो मैं भी गया, ये तो दूर आ गए नजदीक आने की वजह। अब मैंने बात पर कोशिश करी टालने की, तो गुरु जी को मैंने जगाया नहीं, मैंने थोड़ी और स्पीड बढ़ाई, मैंने कहा तो वापस। गुरु जी कहने लगे ये तो रास्ता कुछ अनजान सा लग रहा है, तो मतलब क्या है? मतलब ये है आप जाप कर रहे हो, वो आप चल रहे हो, ज्यादा बढ़ा दिया जाप आपने और तेज चल रहे हो, लेकिन फिर भी समर्थ जो पहले उस रास्ते से कई बार जा चुके हो जहां आपको जाना है भगवान जी के पास, भगवान को जानना है, उस तत्व को पहले संतों ने समझा है, गुरुओं ने समझा है, परम सिद्ध बाबा रामपुर जी महाराज के आसन के चरणों में हम बैठे हैं, इनकी कृपा है। चलते रहो बहुत अच्छी बात है। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर पुत्रो पारा, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। नाम की तो कहां कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। नाम में तो अपार शक्ति है, नाम की महिमा तो भगवान भी गा सकते नहीं, लेकिन ऐसा बताया कितना भी नाम जपो, हर मोड़ पर गुरु जी से पूछ लो कि सीधा ही चलें या मुड़ना है, पहुंचेंगे आप जरूर। जो भी व्यक्ति नाम जपता है ये कंफर्म है जरूर पहुंचोगे भगवान तक। लेकिन अंतर ये रहता है, कई बार जहां आप खड़े हो वही आसपास ही काम बन जाता है, और अगर आप उससे निकल जाते हो तो पूरा चक्कर फिर लगाना के वापस आना पड़ता है। अनजान शहर में आप चले जाओ, ऑटो वाले को आप बोल दो वहां जाना है, और कई बार ऐसे होते हैं पास में कुछ जगह होती है, ऑटो वाला कहता है 100 रुपए लगेंगे, ये नहीं बताया कि वो तो पास में ही बगल में ही है जहां आपने जाना है।
लेकिन ऑटो वाला 100 रुपए लेके एक दो तीन चक्कर और कटा के दूर दूर से और दूसरी गली में से लाके वहीं छोड़ देगा। तो ऐसे भ्रम हो जाता है कई बार। समर्थ सदगुरु, जिनका वो रास्ता अनेक बार देखा हुआ है, उनसे अवश्य पूछ लेना चाहिए कि हम जिस मार्ग से चल रहे हैं क्या ये मार्ग पूर्ण रूप से उपयुक्त है। तो ऐसे गुरु लोग बताते हैं दो चीजों के बिना भगवत प्राप्ति हो सकती नहीं, संतों के संग के बिना और हमारी कथा के बिना। और दोनों चीजें कहने में दो हैं, वास्तव में एक ही है। जब आप संतों का संग करोगे तो हरी कथा तो अपने आप ही हो जाएगी ना जी। संतों के पास दुनियादारी की बातें होती ही नहीं, और जितनी देर दुनियादारी की बातें करेंगे संत लोग भी, उतनी देर तो वो भी संत नहीं समझना उनको। एक घंटा यदि किसी संत ने संसारिक इधर उधर की व्यापार की बातें कर लेगी तो समझो एक घंटा तो ये संत नहीं था। इतना तो हमने देखा है, उससे पहले संत है, उसके बाद में संत है। संत शरीर का नाम नहीं है जी, संत तो भगवत वाणी जब निकल रही है मुख से उस वाणी का ही नाम संत है। संत तो उसके उन विचारों का नाम संत है जो आपका भला कर सके, आपका उद्धार कर सके, जिनको सुनते ही आपके मन में शांति आ जाए, जिनको सुनते ही आप कहीं न कहीं सच्चे रास्ते पर आ जाओ। असली जो आपका मार्ग है, आप कहीं न कहीं लोभ में, लालच में, स्वार्थ में, संग दुसंग की वजह से, गलत संगति की वजह से, गलत खान पान की वजह से, ये मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चलिए। पल पल में मन और पल पल में बदलता है, इसलिए संत वही है जो आपके मन को पकड़ के और सीधे रास्ते पर ले आवे। यदि ऐसा काम कोई पूरा दिन करता है तो वो पूरा ही दिन संत है। यदि कोई ऐसा काम दो चार घंटे करता है तो वो दो चार घंटे के लिए संत है। यदि 24 घंटे करता है अच्छा भला किसी का तो वो 24 घंटे संत है। और आप सब भी जितनी देर कथा में बैठे हो उतनी देर आप जरूरी नहीं है कि गृहस्थी हो, उतनी देर आप भी संत महापुरुष योगी हो। जितनी देर कथा में यहाँ बैठ के कोई यहाँ पाप नहीं कमा रहा, यहाँ तो सब भगवान के नाम में लगे हुए हैं, जैसे हैं सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, भगवान को अर्पण है इतनी देर के लिए तो कथा कथा में। और कथा के बाद भी घर जाके भी अगर यही कथा दिमाग में चलती रहे, भगवान के विचार दिमाग में आते रहे तो उतनी वहां भी आप संत ही हो। गृहस्थी तो आप केवल उतनी देर हो जितनी देर आप उलझन में, उसमें, चिंता में रहते हो। और यदि घर में रह करके आपने अपनी डोरी भगवान को सौंप दी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ठाकुर जी, तेरा ही तो घर, तेरे ही बच्चे, और मैंने तो आपको संभलवा दी डोरी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, फिर आप सत्य करके मानना आप ही संत ही हो। संत का तो मतलब सीधा सही है, जिसमें सच्चाई है, जिसमें शांति है,
समरूप है। जब अपना मन अपने आप को कहने लगे अंदर से कि भैया अब तो ऐसी वाणी बोलो कि अपना उद्धार हो जाए, ऐसा काम करो जिससे अपना उद्धार, उद्धार का मतलब धनवान नहीं, उद्धार का मतलब यश कीर्ति इकट्ठी करना नहीं, उद्धार का मतलब नाम कमाना नहीं है, उद्धार का मतलब तो एक ही है, अकेले बैठ के मन में ये आए कि मैंने जो किया उससे मेरा परमार्थ बन गया, मैंने अपना लोक संवार लिया, ये लोक भी संवार लिया और आगे के लोक भी संवार लिए, और प्रभु से सबसे पहले यही प्रार्थना किया करो, हे प्रभु आपका दिया सब कुछ है, अब एक चीज चाहिए, अब जाते जाते ये लोग भी संवारा, संवार दो हमारा और अगला भी संवार दो, बस। कई बार ऐसी बातें होती हैं, बच्चा गलती कर देता है जाने अनजाने में, समाज में अपमान हो जाता है बच्चे का, फिर समाज वाले उसको शिक्षा देते हैं, माता पिता गुरु हाथ थपकी देते हैं, बड़े चिंता मत करो, पूरी जीवन पड़ा है, आगे से गलती नहीं करना, और बच्चा मान जाता है और ऐसे ऐसे अच्छे कर्म करता है, नाम रोशन कर जाता है देश विदेश में, और एक अवस्था ऐसी होती है ढलती उम्र की, ढलती उम्र में यदि गलती हो जाए किसी से, फिर वो गलती संवारने के लिए, सुधारने के लिए समय बहुत कम बच जाता है, उसको धोने के लिए गलती को समय नहीं रहता इतना, बच्चे की हजार गलतियां माफ हो जाती हैं, हैं तो सभी बच्चे, लेकिन समय होना चाहिए। अब कोई बच्चा दसवीं क्लास में पढ़ते पढ़ते फेल हो गया तो उसको हम कह सकते हैं कि भैया कोई बात नहीं, दोबारा से कर लो, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तेरे पास समय है बचा हुआ, लेकिन उस समय उसने मानी नहीं, स्कूल को छोड़ दिया और फिर वो 30-35-40 साल का होकर के अब उसके बच्चे हो गए दसवीं में 11वीं में, और उसका मन करे कि मैं अब दसवीं करूं, कर तो सकता है, लेकिन जितने काम उम्र उनकी है उनके काम आएगी बच्चों के वो विद्या, उतने उसके उतना समय नहीं रहता उसके पास। खैर हमारे संतों ने तो ये भी कहा है कि आखिरी सांस तक भी व्यक्ति सुधर जाए और भगवान में लग जाए तो भी मेरे प्रभु तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन संत कहते हैं कि भैया एक भी सांस बिना समझदारी के नहीं लेना चाहिए, कोशिश करो कि प्रभु हे नाथ हे नारायण हे भोले बाबा ऐसी कृपा करो, अपने चरणों की ऐसी भक्ति दो, ऐसा सत्संग मुझे दो, ऐसी सद्बुद्धि ऐसी संगति मुझे दो बाबा कि मेरे को देख के मेरे बच्चों के चरित्र संवर जाए, सुधर जाए, मुझे देख करके मेरे बच्चों के चरित्र ना बिगड़े, मुझे देख करके समाज में कोई गलत छवि गलत संस्कार ना फैले,
मेरी संगति करके समाज को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छी संगत मिले, अच्छा चरित्र बने उनका। दिन रात ये प्रार्थना करो। धन तो कोई भी दे सकता है और धन प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है जीव को इस दुनिया में। बहुत लोग ऐसे होते हैं दिन रात एक करके कमाते हैं, हाथ में 5 पैसे भी नहीं बचते। बहुत लोग ऐसे हैं जन्म से ही बैठे हैं, सोफे के ऊपर बैठे रहते हैं और अरबों में ही पैदा होते हैं, अरबों में ही रहते हैं। 1 घंटा भी वो काम कर सकते नहीं, प्रारब्ध से उनको मिल जाता है। लेकिन मेरे जो प्रभु हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, वो प्रारब्ध से नहीं मिलते, वो भाग्य से नहीं मिलते। भगवान नहीं भाग्य से मिलते, भगवान तो संतों के संग करने से मिलते हैं, भगवान हरि कथा श्रवण करने से मिलते हैं। और एक चीज का परहेज है तब मिलते हैं, कब? जे श्रद्धा संबल रहित, जिसमें श्रद्धा नहीं उनको नहीं मिलते। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। रामचरितमानस को तो आप सबने देखा सुना होगा और कई बार ऐसा भी लगता होगा कि रामचरितमानस को तो पढ़ना बड़ा आसान सा लगता है, हिंदी अवधी भाषा में लिखित है और ऊपर से अनुवाद भी साथ साथ में गीता प्रेस की देन है, प्रसाद है, बड़ी आसान लगती है। श्री रामचरितमानस गहरी संस्कृत नहीं है, बोली है अवधी, लेकिन वो रामचरितमानस भी समझ में नहीं आ सकते किनको। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिनकह मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनको मेरे राम प्रिय नहीं, जिनको संतों की संगति मिली नहीं और जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं है। इसलिए मैं आपको यही बार बार निवेदन करता हूं, भगवान से एक एक प्रार्थना करो कि हमारे संतों के वचनों में बस विश्वास बन जाए, गुरुदेव की वाणी में हमारी श्रद्धा बन जाए। आगे तो काम बना बनाया है, और कुछ चाहिए नहीं। और जब संतों की वाणी में श्रद्धा नहीं बनी, पास में खड़े भी भगवान को आप पहचान नहीं सकते, नहीं पहचान सकते आप। जौहरी तो बताएगा ये असली हीरा है, और जिसने हीरे को देखा नहीं वो तो कहेगा कांच का टुकड़ा लगता है पर चमक रहा बहुत है। और जौहरी को पता है ये तो हीरा है, अनमोल है, डायमंड है। तो गुरु कौन है? हीरा, हीरा तो है मेरे प्रभु, जौहरी परखने वाले हैं गुरुदेव। गुरुदेव तो उनको जानते हैं, गुरुदेव से वो छिप नहीं सकते मेरे ठाकुर जी। और जैसे ही एक झलक प्रभु की आएगी सामने और गुरुदेव तुम्हारा हाथ और भगवान के हाथ में पकड़ा देंगे और बोले मेरा काम बना, बोलो जय श्री कृष्ण।
गुरु का तो काम ही इतना होता है। सतगुरु ने मेरे कीनी सगाई, सतसंग में मेरी बात चलाई। बात क्या चलाई? यही तो बात मैं चलाता हूँ कि आप भगवान के हो, भगवान आपके हैं, आपका उन्हीं से संबंध है, उन्हीं को पाना है आप लोगों ने। ये बात चल गई और आपके स्वामी हैं वो, आपके मालिक हैं वो, जगत के पति हैं। जगत के जो पति हैं तो आपके पति भी तो प्रभु ही हैं। पति का मतलब मालिक, राष्ट्रपति राष्ट्र का मालिक, सेनापति सेना का मालिक, करोड़पति 1 करोड़ रुपए का मालिक, और लखपति 1 लाख रुपए का मालिक। पति मने तो मालिक, तो मालिक कौन है? प्रभु। प्रभु है मालिक तो ठाकुर जी। करना क्या है? बात चल गई, पता लग गया आपको कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, उनके नाम की गले में कंठी भी बंध गई कि प्रभु हम आपके हैं। ये देखो आपके नाम का धागा सूत्र, जो हमारा मंगल करेगा, जो हमारा कल्याण करेगा, उनके हो गए हम तो। उनके नाम के तिलक छाप सब लग गई, मोहर लग गई मस्तक में कि ये भैया ये मोहर है, ये तो भगवान के हैं पक्का, ये तो इनको तो गुरु जी ने। हाँ, सब तरह से भगवान के हो गए। करना एक ही काम मेरा बाकी है, उनको बुला के हथलेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। करना क्या है कि आप विमान में बैठ करके, विमान कहते किसे हैं, विमान जिसमें मान नहीं, विमान में बैठ गया। सब ही मान प्रद आप अमानी, तुल्याम लवे नापी, न स्वर्गम न पुनर्भवम, त्रिनादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनेय सदा हरि। विमान का मतलब है आपके लिए विमान आएगा फूलों का, और विमान का एक ही तरीका है बुलाने का, पैसे नहीं देने, विचार। यहाँ जो भगवान का काम है, भगवान से गुरु के पास तो आप पहुंच गए, और भगवान तक का आगे जितना भी सफर है गुरु से लेके प्रभु तक, उसके बीच में संसार की कोई चीज नहीं चलती। जैसे विदेश में जाते समय बहुत चीजें तो जहाज में एरोप्लेन में लेके ही नहीं बैठने देते, लिक्विड चीजें हैं, ये है वो है, तो कहेंगे इसको बाहर, ये अलाउड नहीं है, बाहर फेंकना पड़ेगा। जिस गाड़ी से आप आए हो एयरपोर्ट तक, उसी गाड़ी में रखो, वापस नहीं लेके आप चढ़ सकते। सीधी सी बात है, कोई यहाँ लेके आवे धन दौलत लड्डू पेड़े, वो तो यहीं पे सबको मट जाएंगे। गुरु से और भगवान तक का जो बीच का रास्ता है, संसार के तिल भर के चीज नहीं चाहिए, उसमें तो एक ही चीज की आवश्यकता है, आपके जो विचार हैं, उन विचारों में हो सकता है
कुछ विचार ऐसे हों जो भगवान के धाम में अलाउड नहीं है, वो यही छोड़ने हैं। गुरु का काम है उन गलतियां निकालना, गुरु का काम नहीं है आपकी। क्यों? अगर आप पहले शुद्ध होते पूरे थे तो आप गुरु के बराबर ही थे। आप में कुछ कमियां थी, आप में कुछ गलतियां थी, आपके विचारों में कुछ त्रुटियां थी, आपकी खान पान में, आपकी संगति में कुछ न कुछ तो कमी थी। धोबी है गुरु, और धोबी को कोई कपड़े धो के और प्रेस करके और पैकिंग करके धोबी को थोड़ा ही दे के आता है कोई कि लो भैया कपड़े हमारे, नहीं, धोबी के पास तो मैले कपड़े ही आते हैं। और धोबी कभी कहता नहीं कि मैले कपड़े क्यों लाए, धोबी कहता मेरा काम मैले कपड़ों को धोना मेरा काम है। इसीलिए संतों के पास तो दूषित से दूषित भी व्यक्ति आते हैं और संत उनको देख करके नाराज नहीं होते, उदास नहीं होते, चिंता नहीं करते, ये सोचते नहीं है कि ये गंदे हैं तो चींटे हमारे को भी लगेंगे ना। संत तो एक ही बात सोचते हैं कि ये सुधरना चाहता है, शायद इसीलिए आया है। धोबी के पास कपड़े जाएंगे, धोबी यही सोचता है शायद धुलने के लिए आए होंगे। अब कोई काले तेल में कपड़े डुबो के और धोबी को दे आवे और ये सोच के दे आवे कि उसके और भी कपड़े गंदे हो जाएं, भगवान करे हमारे वाले तो चाहे धुले चाहे ना धुले, ये तो गलत बात हो गई ना जी। इसलिए हम कहते हैं यहाँ वही लोग आए जो सुधरना चाहते हैं, जो अपने विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं, वही लोगों को आना चाहिए। तो गुरु जी का काम तो यही है, आपको बड़े लाड से बड़े प्यार से भगवान के नाम में लगाएंगे बिना क्रोध किए, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे करके, और एक एक विचार आपका जो अब गुण है उनको निकाल देंगे और गुण आप में भर देना गुरु का काम है। करना क्या है आपको? श्रद्धा का बर्तन लेके आओ। गुरु तो ज्ञान भर देंगे, अमृत भरेंगे, बर्तन तो आपके पास में होना चाहिए जी। अब मानो बरसात हो रही है और सावन का महीना चल रहा है और इंद्र देवता भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं और बड़ी जोर की बारिश हुई, एक के पास में बर्तन था 5 किलो का तसला, एक के पास में बड़ा था 200 किलो का बड़ा बर्तन। अब लगातार 2 घंटे बारिश चली, अब 5 किलो के बर्तन वाले को तो जी 5 किलो ही मिलेगा ना, और 2 घंटे में भी 5 किलो ही, वो तो बरसता रहा ऊपर से छलकता रहा, और जिसका बर्तन 200 लीटर का था उसको 200 मिला। बारिश रुकी, दोनों ने जाकर के अपने अपने बर्तनों को संभाला। अब जिसको 5 किलो मिला था उसने पड़ोसी का बर्तन देखा, भगवान की तरफ आंखें निकाल निकाल के गालियां देने लगा, इसको 200 लीटर देता है, मुझे 5 लीटर बस, सुना था तेरे दरबार में न्याय होता है, बराबर देखता है सबको एक नजर से, फिर भी इसको 200 लीटर दिया, मुझे केवल 5 लीटर। अब कोई उसे पूछे कि भैया कृपा तो बराबर बरसती है मेरे प्रभु की, श्रद्धा बढ़ाओ, श्रद्धा भी तो होनी चाहिए।
गुरु के वचन तो सबके लिए बराबर ही है ना जी, उसमें तो ऐसी कोई बात नहीं कि इनके कानों में तो ज्यादा जा रही है कथा, हमारे कानों में तो कम पड़ रही है। अब तो आपको देखना है, आप रोज कितनी बातें मानते हो, उनके ऊपर कितना चलते हो, कितना आप अपने विचारों को बदलते हो, ये आप जितना आप उन वचनों पे उस कथा पे विश्वास और भरोसा करोगे श्रद्धा से, उतना ही आपका जीवन धन्य और पवित्र हो जाएगा। केवल और केवल आपके उद्धार के लिए संतों के वचन होते हैं, ना तो आश्रमों की आवश्यकता होती बड़े बड़ों की संतों को, ना धन की आवश्यकता। आश्रम आज बनाओ कल बोली खंडहर हो जाएंगे बिना संभाले। बड़े बड़े तीर्थों पर आप जाकर के देखिए, सब सेठ साहूकारों ने बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाई थी, आज वो खंडहर हैं। लोग उनमें रुकना तक पसंद करते नहीं, होटलों में एसी रूम लेकर के रहना अच्छा लगता है उनको। कहीं बनारसी दास की, कहीं करोड़ी मल की, कहीं फलाना शर्मा की, तो बड़ी बड़ी धर्मशालाएं थी, कितने मेहनत से उन्होंने बनाई होंगी। लेकिन ये बड़े बड़े आश्रम बनाना आवश्यक नहीं, आवश्यक है अपनी इस शरीर को मंदिर बनाना। इस शरीर में हर रोज एक नियम अपना हर रोज बढ़ाते चलो। आज मेरा ये नियम था, आज मैंने ये नियम ही अपनाना है आज से, और कल मैंने इस विचार को त्याग दिया था, ये विचार गंदा था, अच्छा नहीं था, और आज दूसरे विचार को भी त्याग देना चाहता हूं। व्यक्ति को खुद पता रहता है जी, तो अपने आप में खुद ही थोड़ा थोड़ा सुधार हर रोज कर लेना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा भगवत बुद्धि से भगवान की तरफ एक कदम तो रोज बढ़ाना चाहिए। गुरु के वचनों को अपने जीवन में एक वचन तो रोज नया लागू कर ले जी। क्यों? इस जीवन ये ढल गया, बहुत चला गया, कुछ निकला नहीं, आगे भी कुछ नहीं निकलने वाला। सार 60 वर्ष में इस जीवन में से कुछ सार नहीं निकला, आगे 10 साल में और क्या लूट लेंगे हम, कुछ नहीं निकलने वाला। तो ऐसा कुछ करो, छाज बन जाओ, छाज छलनी नहीं बनना। छाज और छलनी देखने में तो ऐसा लगता है कि दोनों अन्न साफ करते हैं जी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सार सार को ग्रहण करे और तुरथा दे उड़ाए, छाज तो ये करता है कीमती वस्तु को तो रख लेता है, हाँ भगवान के नाम को रख लेता है वो, और फल फल की बात का तो उड़ा देता है। ऐसे ऐसे बन जाओ छाज की तरह, और छलनी तो उल्टे काम करती है, वो काम काम की चीज को तो नीचे निकाल देती है। हाँ अब गाय का दूध उसमें से छानते हैं तो दूध दूध काम काम की चीज तो नीचे को निकल जाती है, और रोम बच जाते हैं ऊपर, कबाड़ के ऊपर बच जाता है गंदगी। तो ऐसा प्रयास करो, ऐसी कमाई करो। विचारों का ही खेल है, आपसे बड़ा संत कोई नहीं, आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं। अपने आप को ये समझो कि जब हमें संतों का संग मिल गया गंगा जल में, अरे गंगा नदी में, और कोई छोटा सा पनारा
कोई छोटी सी नाली मिल जावे जा करके, और उससे आगे जाके आप क्या कहोगे, पूरे ही गंगा जी हो गई ना, वो नाली भी तो गंगा जी हो गई। आप तो संतों में मिल गए आके, अब आप अपने आप को भूलो, ये तो सोचना ही नहीं कि हम पापी रह गए, वो तो गंगा है संत, तो संतों के वचन गंगा मैया है। संतों से तो थोड़ा सा भी जुड़ जावे ना व्यक्ति जी, दर्शन भी हो जावे, तो ये सोच लो हम तो बन गए संत। हाँ, हम हमारा तो हो गया उद्धार, इनकी तो एक वाणी एक वचन तार देता है पार, और हम तो इसमें डुबकी गोते लगाते हैं रोज, हमारा तो हो गया कल्याण। पापी तो हम कभी थे नहीं और हो सकते नहीं, पाप तो हमारे पहले दिन नष्ट हो गए थे, संतों के और भगवान के दर्शन करते ही अब तो बस भक्ति का आनंद लेते हैं, और संतों के शरण में जाके संतों के बराबर हो गए। संतों अभिमान नहीं करना, लेकिन स्वाभिमान मनोबल इतना रखो, हौसला इतना रखो कि अब तो भगवान से मिलना मुश्किल है नहीं, नहीं हौसले की बात है, संबल जरूरी है। पहले क्या होना चाहिए, श्रद्धा, फिर दूसरा संबल बल होना चाहिए। किस बात का, विश्वास है हम संतों से जुड़ गए, अब तो हमें कोई परवाह नहीं, अब नहीं परवाह, ये संबल है, विश्वास है, संतों का संग है। और अगली बात ये है जी, जो इस सृष्टि के स्वामी है ना, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, वही हमारे भी स्वामी हैं। वो हमें उतने ही प्रिय हैं जितने प्रिय उनको हम हैं। भगवान को आप कितने प्यारे हो, आप बता सकते नहीं, क्योंकि शब्द में भगवान तो अंदर भी बैठा है रक्षा करने के लिए, बाहर भी बैठा है रक्षा करने के लिए, सांस सांस में समाया हुआ है, रोम रोम में बसा हुआ है, नस नस में वास है, कण कण में रहता है वो, रमा हुआ के कारण राम है उसका नाम। राम क्यों है, भगवान जी का नाम रमा हुआ है। इस वस्त्र के अंदर क्या चीज रमी हुई है, धागा, धागा है ना, जो धागा धागे से बना है जी, कोई भी वस्त्र होता है धागे से बना। अब उसमें से सारे धागे निकाल दो एक एक करके, क्या पीछे वस्त्र बचेगा, नहीं बचेगा ना। जो धागा है, धागा कपास से बनता है, कपास से ही तो धागा बनता है, या जिस भी तत्व से बनता है, सब धरती माता की कृपा से बनता है, चाहे रेशम का हो चाहे ऊन का हो, है तो मेरी धरती माता की कृपा से ही, धागा तो है ही किसी भी चीज का। तो जो उसके मूल में वो कपास है, देखो अब ये कपास दिख नहीं रही, और वस्त्र दिखता, इसका नाम भी कपास नहीं, इसका रंग भी कपास जैसा नहीं, इसका रूप भी कपास जैसा नहीं, लेकिन बुद्धि तो है अपने अंदर। अब गुरु बता रहे हैं और खुद भी सब देखा भाला है आप लोगों ने, तो कपास से धागा बना, धागे की बुनती से कपड़ा बना,
तो कम से कम कपास है तो इसी के अंदर, इतना तो समझ ही सकते हैं। उसी प्रकार से जो मेरे प्रभु है ना, उससे ये सृष्टि बनी और ये एक एक धागा आप बैठे हो जितने सब लोग, और ये पूरी सिमिल के सृष्टि दुनिया, अमीर गरीब, गोरा काला, छोटा बड़ा, पतला मोटा, हल्का भारी, सब कुछ तो सब भगवान से बना। और फिर भी भगवान को भूले, भगवान ही अंदर है, भगवान से ही शरीर बना, भगवान से ही बुद्धि मिली, भगवान से ही आंख नाक कान सब का बनाने वाला, निर्माण करने वाला वही मेरा प्रभु है। अब ये वस्त्र है, और ये वस्त्र सोचने लगे कि कपास पता नहीं कहाँ मिलेगी। अब कपास ये अगर इसको कोई समझाए कि भैया कपास है इधर तो बना है, कपास तेरे को कहाँ मिलेगी, कपास को ढूंढ रहा है, बताओ। सीधी सी बात एक ही है कि तू ये मानना छोड़ दे कि मैं वस्त्र हूँ, और इतना ही मान ले कि मैं ही कपास हूँ। इस रूप में आ गया, रंगा गया, बुना गया, मेरे को पहले धागा बन गया, मैं ही कपास हूँ, मेरा धागा बन गया कपास का। पर मैं नहीं कहते कि मैं धागा हूँ, मैं फिर भी धागा बनने के बाद भी यही कहता हूँ कि मैं तो कपास ही हूँ। ना कर।